चलिए बढ़ते आगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मॉनसून से पहले मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। क्या है ये बड़ा फैसला और किसानों को इससे कैसे फायदा होगा, देखिए पूरी रिपोर्ट हमारी इस खबर में। किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी 140% तक बढ़ा दी है। सब्सिडी बढ़ने से अब किसानों को पुरानी कीमत पर ही डीएपी मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमत बढ़ने से किसानों को भारत में खाद के दाम बढ़ने की चिंता थी। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी खाद की कीमत बढ़कर 2400 रुपए प्रति बैग हो चुकी है, लेकिन सरकार ने किसानों को बढ़ी कीमत के बोझ से बचाने के लिए पुरानी सब्सिडी को बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया है। यानी किसानों को अब डीएपी खाद पहले की ही कीमत 1200 रुपए में मिलेगी। पिछले साल डीएपी खाद की कीमत और इस साल डीएपी खाद में क्या बदलाव हुआ है ये भी जान लीजिए। पिछले साल डीएपी का दाम 1700 रुपए प्रति बैग था, जिस पर सरकार से 500 रुपए की सब्सिडी मिलती थी और किसानों को 1200 रुपए प्रति बैग डीएपी मिलता था। इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2400 रुपए कीमत होने पर सरकार 1200 की सब्सिडी देगी, जिससे किसानों को इस बार भी डीएपी खाद 1200 रुपए प्रति बैग मिलेगी। सरकार के इस फैसले से आने वाले दिनों पर सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने की संभावना है। केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है और डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ाने के फैसले के बाद सरकार पर करीब 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पीएम मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और अधिकारियों के बीच खाद कीमतों पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब सब्सिडी में प्रधानमंत्री जी ने 140% की वृद्धि की है। इसके परिणाम स्वरूप अब किसानों को यह डीएपी का बैग 1200 रुपए में ही मिलेगा। हालांकि माना यही जा रहा है कि खाद के दाम कम किए जाने के पीछे विपक्ष का दबाव था। इससे पहले कि मामला तूल पकड़ता, सरकार ने खुद ही सब्सिडी बढ़ाकर दाम कम कर दिए। तो खाद का मुद्दा तूल न पकड़े, इसलिए सरकार ने खुद ही सब्सिडी कम कर दी। अब किसान कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का मुद्दा भी तो तूल पकड़े हुए है, सरकार ने क्यों नहीं कृषि कानून रद्द कर दिया। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या इस अदावत में किसान ऐसे ही संक्रमण के साए में जीते रहेंगे। इसी के लिए खास रिपोर्ट तैयार की है हमारी सहयोगी मल्लिका ने, आपको जरूर देखनी चाहिए। देश महामारी से जूझ रहा है, कोरोना से जंग लड़ रहा है और यकीनन ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन कुछ महीनों पहले तक किसान आंदोलन सबसे बड़ा मसला इस देश में हुआ करता था। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान बड़ी खबर हुआ करते थे, लाल किले पर फहराता झंडा बड़ी खबर हुआ करता था। लेकिन आज कहाँ है वो किसान? किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान नेता कहाँ है? तो ऐसे वक्त में जब संक्रमण की सुनामी पूरे देश में आई है, तब किसान नेता कहाँ है वो हम आपको बताएं। उससे पहले किसानों का हाल देख लीजिए। जी, मौजूदा वक्त में ये किसान आंदोलन का सूरते हाल है। कभी सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर्स और ट्रॉलियों का रेला लगा रहता था, लेकिन अब आंदोलन की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब सवाल ये कि संक्रमण काल में किसानों के ऐसे हाल के लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार या किसान? तो कैसा चल रहा है किसान आंदोलन? क्या किसान आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा? यकीनन आपके मन में भी बहुत से सवाल होंगे और उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने किसान नेता राकेश टिकैत से खुद ऑनलाइन बात की। इस वक्त वो गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। उनसे मैंने ये जानने की कोशिश की कि जिस दौर में पूरे देश को घर में रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है, उस दौर में राकेश टिकैत किसानों को लेकर बॉर्डर पर क्यों बैठे हैं। ये सवाल राकेश टिकैत से इसलिए भी पूछा जाना जरूरी है क्योंकि किसान उनके और उन जैसे ही नेताओं के आह्वान पर दिल्ली की दहलीज तक आए थे। 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन वापसी नहीं हुई। और अगर किसान संक्रमण के लपेटे में आ गए तो जान की जिम्मेदारी लेगा कौन? जब हमने ये पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया।
जब पिछले साल ये कोरोना आया तो उस टाइम पे एक कानून लेकर आ सकते हैं, तो आज कोरोना काल में ये कानून खत्म भी कर सकते हैं। जहाँ पे हम 6 महीने से रह रहे, ये एक किस्म से हमारी कॉलोनियाँ हैं, ये हमारे गांव हैं, तो गांव उठ के कहीं जाएंगे तो है नहीं, हमारे पक्का कंस्ट्रक्शन है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हैं, और अगर कोई बीमार होगा तो उसका रास्ता हॉस्पिटल है। हमने तो सरकारों को लिखा है कि आप वैक्सीनेशन करवाओ, बॉर्डर के ऊपर भी, यहाँ पे भी करवाओ, हमने भी लगवाया है और भी बहुत लोग हैं जिसको जहाँ जगह मिली लगवाया है उसने। राकेश टिकैत ने अपनी जिम्मेदारी को सरकार के कंधों पर डाल दिया, लेकिन यहाँ एक सच और जान लीजिए कि जो पंजाब किसान आंदोलन की धुरी बना था, उस पंजाब में सबसे ज्यादा लोग कोरोना से मर रहे हैं। कोरोना की वजह से देश में औसत मृत्यु दर 1.1% है, जबकि पंजाब में ये 2.4% है। मंगलवार को ही पंजाब में कोरोना से 231 लोगों की मौत दर्ज हुई। पंजाब में सिर्फ 72,000 के करीब एक्टिव केस हैं, लेकिन रोजाना 200 के करीब लोग मर रहे हैं। हालांकि किसान आंदोलन और संक्रमण के फैलने का सीधे सीधे आपस में कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब धरना स्थल तक किसानों का रोजाना आना जाना लगा है, तो फिर संक्रमण के खतरे से इनकार भी नहीं किया जा सकता। आंदोलन पर हर तरफ से जारी मौन के बीच चीखते सवाल ये हैं कि किसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ मल्लिका मल्होत्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।